त्योहारों पर बाजार गुलजार हो जाते हैं। हर तरफ फैली रोशनी से बाजारों में अलग अलग ही रौनक दिखाई देती है। दिवाली से पहले होने वाले धनतेरस पर बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। ये त्योहार दिवाली आने से पहले की सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरि की पूजा का महत्व है। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। दीपावली का त्योहार ऐसा है जिसका लोग काफी समय से बेसब्री से इंतजार करते हैं और त्योहार के नजदीक आते ही बाजारों में एक अलग ही रौनक दिखाई देती है। दीपावली से पहले आने वाले धनतेरस पर बाजारों में बम्पर ऑफर्स की लाइनें लग जाती हैं। त्योहार की ज्यादातर खरीदारी लोग धनतेरस पर ही करते हैं। दीपावली से पहले आने वाले धनतेरस को शुभ दिन के रूप से क्यों देखा जाता है, ये आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार? भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। इसलिए दिवाली में धनतेरस के त्योहार का खास महत्व होता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल सटीक माना जाता है। त्योहारों पर बाजार गुलजार हो जाते हैं। हर तरफ फैली रोशनी से बाजारों में अलग अलग ही रौनक दिखाई देती है। दिवाली से पहले होने वाले धनतेरस पर बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ दिखाई देती है। कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। ये त्योहार दिवाली आने की पहले सूचना देता है। इस दिन नए बर्तन खरीदना काफी शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज और भगवान धन्वंतरि की पूजा का महत्व है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से भी ऊपर माना जाता है। ये कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। इसलिए दिवाली में धनतेरस के त्योहार का खास महत्व होता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल सटीक माना जाता है। शास्त्रों में मौजूद कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरि विष्णु के अंशावतार हैं
और पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान के विस्तारक और प्रसार के लिए भी भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। धनतेरस के दिन क्या खास करें? धनतेरस के दिन अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी रूप में चांदी और अन्य धातु खरीदना अति शुभ है। कहा जाता है कि धन संपत्ति की प्राप्ति करने के लिए कुबेर देवता के लिए घर के पूजा स्थल पर दीप दान करें और मृत्यु देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर भी दीप दान करें। धनतेरस से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं और इन कथाओं में बताया गया है कि धनतेरस को त्योहार क्यों मनाएं और इसकी कितनी खासियत है, ये जानने के लिए हम आपको कुछ कथाएं सुनाते हैं। धनतेरस की पौराणिक एवं प्रामाणिक कथा। धनतेरस से जुड़ी कथा है कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन देवताओं के काम में बाधा डालने के कारण भगवान विष्णु ने असुरों के गुरु शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। कथा के अनुसार देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँच गए। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भी भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे उन्हें इनकार कर देना। वामन साक्षात भगवान विष्णु है जो देवताओं की सहायता के लिए तुमसे सब कुछ छीनने आए हैं। बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान की ओर से मांगी गई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल से जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए। इससे कमंडल से जल निकलने का मार्ग बंद हो गया। वामन भगवान शुक्राचार्य की चाल को समझ गए। भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कुमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। इसके बाद बलि ने 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग से अंतरिक्ष को। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में सब कुछ अपना गवा बैठा। धनतेरस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान खरीदारी पर देते हैं और इन खरीदारियों में सबसे ज्यादा लोग बर्तन खरीदते हैं। बाजारों में भीड़ भी सबसे ज्यादा बर्तनों पर दिखाई देती है। धनतेरस पर हम अक्सर एक गलती करते हैं, वो है स्टील, एल्यूमिनियम, लोहा, प्लास्टिक, कांच और चीनी की वस्तुएं भी ले आते हैं, लेकिन वो गलत है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान सोना और चांदी के सामान को खरीदने में देना चाहिए। धनतेरस पर खरीदे ये खास चीजें। धनतेरस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान खरीदारी पर देते हैं और इन खरीदारियों में सबसे ज्यादा लोग बर्तन खरीदते हैं। बाजारों में भीड़ भी सबसे ज्यादा बर्तनों की ही दुकानों पर दिखाई देती है। धनतेरस पर हम अक्सर एक गलती करते हैं। स्टील, एल्युमिनियम, लोहा, प्लास्टिक, कांच और चीन की वस्तुएं भी ले आते हैं, लेकिन वो गलत है। हमें सबसे ज्यादा ध्यान सोना और चांदी के सामान को खरीदने में देना चाहिए। सोना और चांदी सहित कई चीजों को लेकर अलग अलग जानकारियां दी जाती हैं। अब हम आपको सोने और चांदी की खासियत बताएंगे। सोना सबसे शुभ और सबसे श्रेष्ठ धातु ही मानी गई है, तो अगर इस बार आप सोच रहे हैं सोना खरीदने की तो ये बिल्कुल सही मौका है। चांदी।
चांदी सबसे शांत, शीतल और पवित्र धातु है। अगर सोना लेना संभव नहीं है तो चांदी को इस बार आप अपनी खरीदारी के लिस्ट में सबसे पहले रख सकते हैं। पीतल। अगर सोना और चांदी दोनों ही लेना संभव नहीं है तो पीतल तीसरी सबसे अच्छी धातु मानी गई है। धनतेरस पर पीतल की वस्तुएं घर में शुभता लेकर आती है। तांबा। अगर पीतल भी संभव नहीं है तो आप तांबे की वस्तुएं या बर्तन ला सकते हैं। ये सेहत के लिए भी शुभ है और साथ ही पूजा के लिए और जीवन के लिए भी अच्छी मानी गई है। और सबसे अहम ये है कि अगर आप इस बार सोने और चांदी सहित किसी भी तरह की महंगी खरीदारी करने में असमर्थ हो या फिर आपका बजट कुछ कम होता है तो कोई समस्या की बात नहीं है। आप सब इस बार अपने साधारण से बजट के साथ दूसरे सामानों को खरीद सकते हैं और बिना किसी निराशा के मिट्टी के बर्तन को खरीद सकते हैं। तो ये थे दिवाली से पहले आने वाले धनतेरस से जुड़ी कुछ अहम बातें। उम्मीद है इस बार धनतेरस से ये जुड़ी खास जानकारी आपको खरीदारी करने में काफी मदद करेगी। हम भी आपको इसी तरह से त्योहार की ढेर सारी बधाइयां देते हैं। प्राइम टीवी की तरफ से आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। नमस्कार।